मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह भगोड़े थे, पुलिस की तरफ से कहा गया, कोर्ट की तरफ से नोटिस भेजे गए, लेकिन वो पेश ही नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट ने जब उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई, तब जाकर आज वो मुंबई क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंचे। इसी बीच उनके साथ काम कर चुके मुंबई पुलिस के एक पूर्व ACP ने अपने सीनियर रहे परमवीर सिंह पर बेहद गंभीर आरोप लगा दिए। आरोप के मुताबिक परमवीर सिंह ने 26/11 हमले में पकड़े गए आतंकी अजमल कसाब के मोबाइल फोन को गायब कर दिया। करीब 231 दिन से फरार चल रहे मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह आखिरकार मुंबई पुलिस के सामने पेश हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जब उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई, उसके बाद परमवीर सिंह हाजिर हुए हैं। परमवीर सिंह जांच में सहयोग करने के लिए और अपना बयान दर्ज कराने के लिए, जांच का हिस्सा बनने के लिए मुंबई पहुंचे हैं और मुंबई पहुंचने के साथ ही वो मुंबई के कांदिवली स्थित क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि परमवीर सिंह पर मुंबई और थाने सहित 4 FIR दर्ज है, जिसमें वसूली के मामले, एक्सटॉर्शन के मामले हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार मैंने आज इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन किया है, कोऑपरेट किया है इन्वेस्टिगेशन के साथ, एंड इससे ज्यादा मुझे कुछ कहना नहीं है। एंड जैसा कोर्ट का आदेश रहेगा, मुझे कोर्ट के ऊपर पूरा विश्वास है एंड कोर्ट के आदेश के हिसाब से आगे कार्रवाई। लेकिन पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के लिए मुश्किल सिर्फ इतनी ही नहीं है। उनके साथ काम कर चुके ACP शमशेर पठान ने तो परमवीर सिंह पर और भी ज्यादा गंभीर आरोप लगा दिए हैं। शमशेर पठान का आरोप है कि 26/11 हमले में शामिल आतंकियों की परमवीर सिंह ने मदद की और आतंकी अजमल कसाब के मोबाइल फोन को उन्होंने गायब किया। उस टाइम पे परमवीर सिंह ये DIG थे ATS के, तो उस टाइम पे जब अजमल कसाब का जब मोबाइल उस टाइम जो मिला था, तो वो मोबाइल उस टाइम पे ये जब ATS वहाँ पहुँची चौपाटी पे, तो परमवीर सिंह ने वो हवलदार के पास से वो मोबाइल ताबे में लिया कि हम इसकी इंक्वायरी करेंगे। उन्होंने दे दिए, क्योंकि अभी ATS मांग रही है तो पुलिस वाले ऑब्जेक्शन लेंगे नहीं, और देने के बाद में भूल गए कि अभी ATS अपनी इंक्वायरी करेंगे। मुंबई पुलिस के पूर्व ACP शमशेर पठान द्वारा लगाए गए आरोप बेहद गंभीर हैं, क्योंकि मुंबई पुलिस में इतने बड़े पद पर रहे अधिकारी का ऐसा कहना बता रहा है कि बात छोटी नहीं है। इसीलिए उन्होंने मुंबई पुलिस से इसकी जांच की मांग की है। शमशेर पठान के मुताबिक जांच के दौरान जब कसाब के मोबाइल के गायब होने की बात पता चली, तो परमवीर सिंह के पास एक पुलिस अधिकारी को मोबाइल लाने के लिए भेजा गया, लेकिन परमवीर सिंह ने उसे डांट कर भगा दिया। माली उनके पास गया परमवीर सिंह के पास में, परमवीर सिंह बोला, सर वो जो मोबाइल आपने लिए थे ना, वो कौन सा मोबाइल, कैसा मोबाइल, गेट आउट फ्रॉम हियर। एक मिनट में उसको बाहर भगा दिया उसने, एकदम शॉक हो गए, कह रहे मोबाइल, हम सबके सामने मोबाइल लिया, मोबाइल लेके गया और अभी बोलता मोबाइल नहीं है बोल के। कसाब इकलौता आतंकी था जो जिंदा पकड़ा गया था। उसके मोबाइल फोन से देश पर हुए सबसे बड़े आतंकी हमले के बहुत सारे राज निकल सकते थे, उन लोगों का पता लग सकता था जिन्होंने भारत में उसकी मदद की थी। और ये मोबाइल परमवीर सिंह ने डिस्ट्रॉय किया है। अब मेरा तो बोलना ऐसा है कि उसमें की इन्फॉर्मेशन उसने ATS में रहते हुए क्रैक की, और क्रैक करने के बाद में जो भी हैंडलर्स थे 26/11 के, जो हैंडलर्स लोकल हैंडलर्स थे, उनके पास से इसने बड़ी बड़ी तोड़ करी, क्योंकि मेन जो था सूत्रधार अजमल कसाब ही था, पूरा गैंग का लीडर। तो डेफिनेटली ऐसा लगता है कि ये आदमी ने, वो जो हैंडलर्स थे इंडियन हैंडलर्स थे, इनके पास से बड़ी बड़ी तोड़ करी, या ये आदमी ने वो मोबाइल ISI को बेचा होगा। ही कैन डू एनीथिंग, अभी आपके सामने उसका रोल आ गया बोल के तब अभी लगा हमको कि ये आदमी ने एक बड़ी एक देश विरोधी कार्रवाई इसने की है। जाहिर है मुंबई पुलिस के इस पूर्व अधिकारी के आरोपों ने पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के जांच को एक और एंगल दे दिया है। बात अब वसूली से आगे निकलकर देशद्रोह तक आ पहुंची है। देखना यह है कि क्या परमवीर सिंह के खिलाफ इसकी जांच भी होगी। मुंबई से मृत्युंजय सिंह की रिपोर्ट। ABP News, आपको रखे आगे।